खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। कमलेश तिवारी, हिंदू नेता जिनकी लखनऊ में दिन दहाड़े उनके दफ्तर में हत्या कर दी गई, उस हत्याकांड में आज पहली गिरफ्तारी हुई है। बिजनौर से ये गिरफ्तारी हुई। ये पूरा हत्याकांड यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ, जहां यूपी के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रहते हैं, पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। इसी लखनऊ में 21 घंटे पहले हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या हो गई। बदमाश आराम से आए और बेरहमी से हत्या कर चले गए, गला रेता, गोली मारी और चले गए। कौन है हिंदूवादी नेता का हत्यारा, अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि हत्या की गई, क्यों की गई, इसकी जांच चल रही है। कमलेश तिवारी वही थे जिन्होंने करीब 4 साल पहले पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। परिवार वाले योगी सरकार की नाकामी इसे बता रहे हैं। बड़ी खबर इस मामले में यह है कि इस हत्या में आज पहली गिरफ्तारी हुई है। विवादित टिप्पणी के बाद सिर कलम करने पर 51 लाख का इनाम घोषित करने वाले मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हिंदू नेता कमलेश तिवारी की कल लखनऊ में उनके दफ्तर में हत्या कर दी गई थी, बेरहमी से इस हत्या को अंजाम दिया गया था। और जो अहम सुराग है इस हत्याकांड में, वो ये सीसीटीवी फुटेज है जो आप देख रहे हैं। और इस सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग नजर आ रहे हैं, 2 शख्स आप देख रहे होंगे और एक महिला इनके साथ नजर आ रही है। इनके हाथों में एक थैला है और इसी में माना जा रहा है कि मिठाई का डब्बा था, जिसमें मिठाई नहीं थी, वो असला था, वो मौत का सामान था जिसका इस्तेमाल किया गया इस वारदात को अंजाम देने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज में ये जो 3 संदिग्ध नजर आ रहे हैं, ये कौन है, कौन है ये हत्यारे? एक महिला इसमें नजर आ रही है, क्या इस महिला का भी इस हत्याकांड से कोई कनेक्शन है? हाथ में थैला लिए कमलेश तिवारी के दफ्तर पहुंचे थे लखनऊ में ये 3 संदिग्ध, और माना यह जा रहा है कि इनके हाथ में जो थैला नजर आ रहा है उसमें मिठाई का डब्बा है और उसी में था हथियार जिससे इस हत्या को अंजाम दिया गया। सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रणवीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, एक मौलाना की तो गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये बहुत अहम सुराग माना जा रहा है। सवाल ये है कि जो संदिग्ध इसमें नजर आ रहे हैं, आखिर ये कौन है और इस महिला का भी क्या कोई कनेक्शन है इस मामले से? जी, फिलहाल पुलिस ये बताने में सक्षम नहीं है, अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये जो 2 लोग जो भगवा कपड़े में आए हैं मिठाई का एक पैकेट हाथ में लेकर के, ये कौन है। और साथ ही जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि महिला दोनों से बात करते हुए आ रही है और पैदल आ रहे हैं तीनों, तो कहीं ना कहीं महिला का कोई कनेक्शन तो है, लेकिन ये तीनों ही संदिग्ध कौन है फिलहाल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 2 मौलानाओं के खिलाफ जो मामला दर्ज किया था उसमें कार्रवाई हुई है, हिरासत में लेकर अनवरुल हक से पूछताछ हो रही है और दूसरे जो आरोपी हैं फिलहाल उनसे पूछताछ नहीं हो रही है, लेकिन सूरत में भी कुछ हिरासत में कुछ लोगों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो कई एंगल हैं और इसी बीच में परिवार ने एक आरोप भी लगाया है शिव कुमार गुप्ता नाम के एक शख्स पर, जो बीजेपी के नेता हैं सीतापुर में और संपत्ति विवाद बता रहे हैं। तो पुलिस के पास जो आतंकी कनेक्शन है उस लिहाज से सूरत में हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो संपत्ति विवाद है वो भी, और तीसरा जो मौलानाओं की तरफ से धमकी का मामला था। तो 3 अलग-अलग एंगल हैं जिस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल कि जो सीसीटीवी में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं और 2 वो आरोपी हैं जो घर में घुसकर गोली चलाते हैं और चक्कू चलाते हैं, वो कौन है? तो पुलिस को फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, जाँच जारी है, 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका है। और इस बीच में जो परिजन हैं वो शव रख कर बैठे हैं कि उनकी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी रणवीर, तो परिवार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि जब तक योगी नहीं पहुंचेंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। लेकिन अपने दर्शकों को इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये भी दे दें कि यूपी पुलिस के डीजीपी इस मामले में जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हो जाएगा इस बात का कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है, कौन इस हत्याकांड के पीछे है, मौलाना की गिरफ्तारी हुई है उसका क्या कनेक्शन है, सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्ध दिख रहे हैं उनका क्या कनेक्शन है, सूरत की जो मिठाई की दुकान है उसका इस हत्याकांड से आखिर क्या कनेक्शन है। कमलेश हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश पुलिस बयान देगी, यूपी पुलिस के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर के बाद, उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि पुलिस की जांच जो है वो कहां तक पहुंची है, किन किन एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी पुलिस थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, यूपी पुलिस के डीजीपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। सुबह 11:15 का वक्त तय किया गया है, 11:15 कमलेश तिवारी हत्याकांड पर यूपी पुलिस बयान देगी,
यूपी पुलिस के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उम्मीद यही कि तब जो तमाम सवाल उठ रहे हैं इस हत्याकांड के बाद उनको लेकर जवाब मिल जाएंगे। पुलिस इस बात पर रोशनी डालेगी कि किन किन एंगल्स से वो जांच कर रही है या कोई बड़ा खुलासा इस मामले में पुलिस करने जा रही है। इसके लिए सुबह 11:15 बजे तक इंतजार करना होगा। यूपी पुलिस के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। फिलहाल ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो सबूत है जिनकी मदद से पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। पहला सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, तीन संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में एक पॉलिथिन है जिसमें माना जा रहा है कि वो मिठाई का डब्बा था जिसमें कि हथियार लेकर ये लोग पहुंचे थे हत्याकांड को अंजाम देने। और जो दूसरी तस्वीर है वो उस मिठाई के डब्बे की है और वो मिठाई की दुकान है सूरत की जिससे इस हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं। तो आदर्श, ये दो अहम सुराग जी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहला सीसीटीवी फुटेज और दूसरा वो मिठाई की दुकान। सवाल ये है कि आखिर किसने भेजा था मिठाई के डब्बे में मौत का सामान। बिल्कुल बड़ा सवाल है मानता, और ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब लगातार यूपी पुलिस तलाश रही है। और शायद इसी सिलसिले में 11:15 बजे डीजीपी जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें वो पुलिस की बात रखेंगे, पुलिस का पक्ष रखेंगे और अभी तक जांच कहां तक पहुंची है उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि डीजीपी ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर हम आरोपियों तक पहुंच जाएंगे। संजय त्रिपाठी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। संजय, क्या है पूरी जानकारी? 11:15 बजे डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ मुख्य बिंदु हो सकते हैं उसके अभी तक जांच को लेकर? जी देखिए आदर्श, अभी बताया गया है कि डीजीपी 11:15 बजे पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे, कौन लोग शामिल थे इसमें पूरी जानकारी देंगे। और जहां तक ये जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि गुजरात से कुछ लोग उठाए गए हैं जिनका पूरे हत्याकांड में शामिल होना बताया जा रहा है, उनकी पूरी जानकारी 11:15 बजे अभी देगी। क्योंकि देखिए मामला काफी गर्म हो चुका था, उनके परिजन जो कमलेश तिवारी के परिवार वाले हैं उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले का खुलासा नहीं होगा और योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर नहीं आएंगे, वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और वो इस पर अभी अड़े हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस पर दबाव है कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा कर दे जिससे कि कम से कम जो चीजें हैं वो सारी आराम से चल सके और स्थितियां लगातार जो संकट बना हुआ है तमाम मुद्दों को लेकर के वो निपट सके। जी आदर्श जी, संजय मैं आऊंगा आपके पास। तो यूपी के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 11:15 बजे, क्या कुछ उस पर प्रमुख बात होगी? संजय उस पर रोशनी डाल रहे थे मांद्रा, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे मामले में दो मौलाना को आरोपी बनाया गया था, एक को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और दूसरे मौलाना मुफ्ती नईम कासमी को अभी हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे मामले में बिजनौर से ही दूसरे मौलाना को भी यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो एक मौलाना को पहले हिरासत में ले लिया गया था और दूसरे मौलाना को भी हिरासत में ले लिया गया है। दोनों मौलाना को कमलेश के परिवार की तरफ से आरोपी बनाया गया था और बिजनौर से ही इनको हिरासत में लिया गया है। जी वरुण जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण, तो ये जो दूसरे मौलाना है इसको भी हिरासत में फिलहाल लिया गया है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है? देखिए बिल्कुल, पुलिस की कई टीमें पहले ही बना दी गई थी और जो दूसरे ये मुफ्ती नईम कासमी है इनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस लाइन में दोनों से पूछताछ की जा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की किसी तरह की कोई पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है, लेकिन देर रात को इन्हें हिरासत में लिया गया था और पुलिस लाइन में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि जो लखनऊ से भी जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई है, एक ज्वाइंट इंटेरोगेशन होगी कि आखिरकार उसी इनकी कहाँ पर प्रेजेंस थी, किन किन लोगों से बात हुई, क्या किन के टच में थे, क्या जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि आरोपों में वाकई में सच्चाई है, पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे इनका हाथ तो नहीं है। तो अभी ये पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही आगे ये क्या होगा कि गिरफ्तारी होगी या नहीं। जी जी, तो वरुण ये बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं, मुफ्ती नईम कासमी को भी हिरासत में लिया गया है, मौलाना अनवारुल हक पहले ही बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है और वरुण ये बता रहे हैं कि मुफ्ती नईम कासमी को जो कि दूसरा मौलाना है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। और इस मामले में गुजरात के सूरत में 7 संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए थे, पूछताछ उनसे पहले ही चल रही थी। एक आरोपी मौलाना गिरफ्तार हो चुका है, मौलाना अनवारुल हक बिजनौर से गिरफ्तार किया गया और अब दूसरी हिरासत में लिया गया है। दूसरी डेवलपमेंट इस मामले में हुई है, मुफ्ती नईम कासमी को हिरासत में लिया गया है।